हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजा के टेक्निक्स। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूट्यूब पे आप जितने भी गाने को सर्च करते हैं या जितने भी वीडियो को देखते हैं गाइस, वो सब आपके रिसेंट हिस्ट्री में, वॉच हिस्ट्री में रहता है। तो गाइस, इन सभी को आप परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हैं, तो गाइस इस वीडियो में मैं फुल प्रोसेस बताया हूं। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, गाइस स्किप मत कीजिएगा। तो गाइस चलिए इस वीडियो को करते हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर। तो गाइस आ चुके हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर। सिंपली गाइस आपको यूट्यूब को ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद गाइस आपको ऊपर में आपका जीमेल का अगर आईडी वो दिख जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको नीचे में, आपको गाइस यहाँ पे सबसे नीचे का में आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है आपको। गाइस फाइनली यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको ऊपर से आपको देखते आना है हिस्ट्री एंड प्राइवेसी। सिंपली आपके फ़ोन में गाइस मिल जाएगा हिस्ट्री एंड प्राइवेसी का ऑप्शन। सिंपली गाइस इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको फर्स्ट में मिलता है पॉज वॉच हिस्ट्री। आप जितने भी यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं आपके हिस्ट्री में चला जाता होगा गाइस, अगर इसको गाइस इनेबल कर देते हो तो आपको हिस्ट्री में नहीं जाएगा गाइस, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। उसके बाद गाइस नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा पॉज सर्च हिस्ट्री। आप जितने भी यूट्यूब पर सर्च करते हैं गाने को, फिल्म को, जितने सर्च करते हैं गाइस, अगर आप वहाँ से सर्च करके वीडियो तो देख लेंगे गाइस, लेकिन वहाँ पर आप जो सर्च किए होंगे वो आपको रिसेंट हिस्ट्री में नहीं दिखाई देगा, वो पर डिलीट हो जाएगा गाइस ऑलरेडी ऑटोमेटिकली। इसलिए गाइस इसको दोनों को आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद ही गाइस आपका ये हिस्ट्री, सर्च हिस्ट्री और वॉच हिस्ट्री आपको नहीं मिलेगा, वो परमानेंटली गाइस डिलीट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।